हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस। टुडे वी डिस्कस सिनेमोन वाटर आईपी प्रैक्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इसके अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर सिनेमोन वाटर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। ऑब्जेक्ट, रेफरेंस, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, फॉर्मूला, प्रोसीजर, कैटेगरी, डायरेक्शन, लेबल एंड बायोलॉज क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सिनेमोन वाटर के लिए। आपको प्रैक्टिकल में काम करना है तो किस तरीके से रहेगा, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस और सबमिट सिनेमोन वाटर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट योर लेबल विल बी चेंज, बाकी सारी की सारी चीजें हैं जो कि सेम रहेंगी। आई टुक द रेफरेंस फ्रॉम इंडियन फार्माकोपिया एंड रिक्वायरमेंट टू मेक सिनेमोन वाटर इज सिनेमोन ऑयल, इथाइल एल्कोहल, टॉल्क एंड प्यूरिफाइड वाटर एंड ऑल्सो वी नीड सम टाइप ऑफ ग्लासवेयर टू प्रिपेयर दिस फॉर्मुलेशन। तो शुरू करते हैं सिनेमोन वाटर। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जैसे कि क्लोरोफॉर्म वाटर है या फिर अपन किसी के भी बारे में बात करें, जैसे कि कोई दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है, चाहे वो डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर बना रहे हैं, तो उन सब की थ्योरी है यानी कि एरोमेटिक वाटर होता क्या है। तो एरोमेटिक वाटर और मेडिकेटेड वाटर एज डिफाइंड बाय द यूएसपी इज अ क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल और अदर एरोमेटिक वॉलेटाइल सब्सटेंसेज। यानी कि जो एरोमेटिक वाटर है या फिर जो मेडिकेटेड वाटर है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने ये कहा कि जो भी सब्सटेंसेज हैं, चाहे जैसे कि अपन बात कर रहे हैं रोज पेटल्स की, राइट, रोज पेटल्स हैं, तो रोज पेटल्स को जब अपन कोई प्रोसेस के थ्रू है जो कि उसका अगर अपन वाटर एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर वॉलेटाइल ऑयल होगा वो उसका सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन होगा। देयर ऑर्डर एंड टेस्ट आर द सेम एज दोज द ड्रग्स और वॉलेटाइल सब्सटेंसेज फ्रॉम विच दे आर प्रिपेयर्ड एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एम्पायरोमेटिक एंड अदर फॉरन ऑर्डर्स। साथ ही साथ जैसे कि अपन रोज पेटल से है जो कि एरोमेटिक वाटर निकाल रहे हैं या फिर रोज ऑयल निकाल रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा या टेस्ट होगा वो एग्जैक्टली रोज पेटल जैसा होगा। साथ ही साथ जब बनाएंगे तब उसके अंदर अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि कोई भी अपने को फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई फॉरेन ऑर्डर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्मोक लाइक स्मेल है जलने की वो भी अपने को उसमें नहीं आनी चाहिए। दे आर इन जनरल यूज एज फ्लेवर्स एंड परफ्यूम्स व्हीकल। वॉलेटाइल सब्सटेंसेज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक वाटर शुड बी फार्माकोपियल क्वालिटी और द बेस्ट क्वालिटी इफ फाइनेस्ट फ्लेवर इज डिजायर्ड इन केस ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशंस। यानी कि मोस्टली जो एरोमेटिक वाटर्स हैं वो अपने फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज कर रहे हैं या फिर परफ्यूमसिंग के रूप में भी यूज आते हैं। साथ ही साथ जो भी अपन वॉलेटाइल ऑयल्स बना रहे हैं तो ऑब्वियस है, सपोज कभी अपन फार्माकोपिल क्वालिटी के लिए यूज कर रहे हैं या किसी यूज के लिए अपन इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो जो भी अपन कंटेंट ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो उसकी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी चीज निकले वो प्रॉपरली सैचुरेटेड सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। प्रिपरेशन की बात करते हैं कि भाई एरोमेटिक वाटर बनता कैसे है, तो दो तरीके हैं इसके बनाने के, एक तो वाया सिंपल डिस्टिलेशन और वाया सॉल्यूशन, यानी कि कोई एजेंट ऐड करके या फिर नॉर्मल शेकिंग मेथड से अपन इसको बना सकते हैं। डिस्टिलेशन मोस्टली तब यूज किया जाता है जब आपका सिस्टम है जो कि हीट लेबल नहीं हो यानी कि हीट से सेंसिटिव नहीं हो, जैसे कि रोज पेटल्स हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू बनाई जाती है। अब बनाने का तरीका क्या रहता है या प्रोसीजर क्या रहता है बाया डिस्टिलेशन वो देखते हैं। Place the odoriferous portion of the plant or the drug in suitable still with sufficient purified water and distill most of the water. Separate the excess of the oil form and distillate and preserve or use the clear water portion filtering if necessary. यानी कि जो भी आपको, जिसका भी आपको एरोमेटिक वाटर निकालना है, जिसका भी आपको एक्सट्रैक्ट आउट करना है, वो आपने रॉ मटेरियल ले लिया, उस रॉ मटेरियल के अंदर भी जिसके अंदर ऑर्डर है यानी कि जिसमें एरोमा है, स्मेल है, वो पार्ट आपने अलग कर लिया। जैसे कि रोज के अंदर बात करें, पूरा का पूरा अपने को फ्लावर नहीं लेना, केवल पेटल्स लेनी है, क्यों, क्योंकि उसी के अंदर ऑर्डर है। उन्हें लेने के बाद आपने पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी के अंदर उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर के साथ, फिर जैसे ही आप इसको स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो क्या होगा, स्टीम्स क्रिएट होंगी, भाप बनेगी और उन भाप के अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल है वो भी अवेलेबल होगा, साथ ही साथ एक वाटर भी डिस्टिलेट होगा जो कि एरोमेटिक वाटर या फिर रोज वाटर के नाम से कहलाया जाएगा। क्योंकि वाटर एंड ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट होती है तो अपन उसे आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। बट क्योंकि जैसे रोज पेटल्स हैं या फिर ऑरेंज फ्लावर्स हैं, इनमें दिक्कत ये रहती है कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी अपने को लेनी पड़ती है इनकी, साथ ही साथ जो कंटेंट अपने को बहुत ही कम मिलता है क्योंकि बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो अपने को बार बार ही प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है नया सैंपल लेते हुए, तो इन प्रोसेस को अपन कोहेबेशन भी कहते हैं।
दूसरा मेथड बात करें कि प्रिपरेशन ऑफ बाय सॉल्यूशन, तो इसके दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली क्या रहता है कि आपको जो भी कंटेंट लेना है जिसका आपको एरोमेटिक वाटर या फिर वॉलेटाइल ऑयल निकालना है, वो 2 ग्राम ऑफ सैंपल आपने ले लिया या 2 ml ऑफ सैंपल ले लिया, उसे 1000 ml प्यूरिफाइड वाटर में डालने के बाद आप अच्छे से उसको शेक करोगे 15 मिनट्स के लिए, या फिर 12 घंटे तक आप उसे रखेंगे, फिर फिल्टर करेंगे यूजिंग अ वेटेड फिल्टर पेपर। फिर जो भी क्वांटिटी आपकी रही 100 ml को पूरा करने के लिए, वो आप और रेस्ट ऑफ अमाउंट प्यूरिफाइड वाटर उसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि बेसिकली 2 ग्राम ऑफ सैंपल इज टेकन एंड 100,000 ml ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज एडेड एंड कॉन्टिन्यूस शेकिंग इज डन अंटिल द कंटेंट इज प्रॉपरली डिजोल्व इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और लास्ट में वी हैव टू मेक द वॉल्यूम 2000 ml। दूसरा या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर कोई ना कोई है जो कि डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि आपको लेना तो वही रॉ मटेरियल है, बट रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जैसे कि सपोज 2 ग्राम है या जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो ली, उसमें आप एक डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड कर दोगे और 1000 ml ऑफ वाटर ऐड कर दोगे। अब आपको शेक करना है, तो डिस्पर्सिंग एजेंट का एडवांटेज क्या होगा कि जो आपका वॉलेटाइल ऑयल है वो प्रॉपरली है, जो कि उसका जो सर्फेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो एक्सट्रैक्ट आउट करने में भी ईजी होगा। इट इज डन बाय इनकॉर्पोरेटिंग थ्रॉडली द वॉलेटाइल ऑयल with 15 ग्राम ऑफ टॉल्क और with a sufficient quantity of purified water, purified silicaceous earth और pulp filter paper। यानी कि basically जिसका भी अपने को volatile oil निकालना है उसके साथ अपन इसमें एक 15 ग्राम ऑफ टॉल्क या फिर silicaceous earth या फिर pulp filter paper को ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद 10 मिनट तक अपन इसको शेक करेंगे 1000 ml purified water के साथ, then we have to filter it and make the volume up to 100 ml। Dispersing agents generally increase the surface of volatile oils, ensuring more rapid saturation of the water and forms an efficient filter bed, thus producing a clear solution। यानि कि main जो इनका use करने का reason यही है कि एक तो जो surface है volatile substances की वो increase कर देगा, साथ ही साथ एक जो filter bed बनाता है इसे जो solution है वो भी अपने को clear available होगा। इनकम्पेटिबिलिटीज की बात करें, क्योंकि वॉलेटाइल ऑयल है, एरोमा है, तो अपने को प्रिजर्व भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, साथ ही साथ काफी सारी इनकम्पेटिबिलिटी भी अपने को देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी इनकम्पेटिबिलिटी इसके अंदर आती है सॉल्टिंग आउट। द डिफिकल्टी एनकाउंटर्ड इन कंपाउंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग एरोमेटिक वाटर इज ड्यू टू अ सॉल्टिंग आउट रिएक्शन ऑफ सर्टेन इंग्रीडियंट सच एज वेरी सॉल्युबल सॉल्ट इन द वॉलेटाइल प्रिंसिपल ऑफ एरोमेटिक वाटर। यानी कि बेसिकली सॉल्टिंग आउट करके एक प्रॉब्लम है जो कि अपने को मिलती है। आप सॉल्टिंग आउट होता क्या है, तो बेसिकली जैसे ही आपने उसको डिस्टिलेट किया, तो डिस्टिलेट करने के बाद उसके अंदर ऑयल भी है, उसमें वाटर भी है, और उसके अंदर आपका पर्टिकुलर एरोमा कंटेनिंग सब्सटेंस भी है, बट उस टाइम पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट से दूर जाने लगता है, यानी कि वो एज अ प्रेसिपिटेटेड अलग हो जाएगा और सिस्टम से इनसॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो रीजन मेनली ये होता है कि उसके अंदर वेरी सॉल्युबल सॉल्ट है जो कि अवेलेबल होते हैं, उनको अगर अपन रिमूव कर दें तो ये जो सॉल्टिंग आउट वाली प्रॉब्लम है वो रिड्यूस की जा सकती है। सच एज वेरी सॉल्युबल सॉल्ट इन द वॉलेटाइल प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक वाटर। इन सच केसेस अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द एरोमेटिक वाटर विद प्यूरिफाइड वाटर इज परमिसिबल व्हेन इट हैज नो अदर फंक्शन देन दैट ऑफ व्हीकल और अ डाइल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट विद अ सूटेबल इंक्रीज इन डोजेज इज इंडिकेटेड। साथ ही साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तब अपन जो वॉलेटाइल ऑयल है उसका जो रिप्लेसमेंट है वो नॉर्मल अपन वाटर के साथ, एरोमेटिक वाटर के साथ है जो कि कर देते हैं, अगर उसे सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन के रूप में यूज किया जा रहा है तो। प्रिजर्वेशन की बात करें तो क्योंकि इसके अंदर एरोमा है तो वी हैव टू स्टोर इन अ क्लोज प्रॉपरली क्लोज कंटेनर। अपन इसे अगर ढक के नहीं रखेंगे तो इसकी जो सारी वॉलेटिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ वॉलेटाइल कंटेंट का ऑक्सीडेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए इनको कवर करने के लिए अपने को एम्बर कलर्ड सिस्टम्स है जो कि यूज करने पड़ते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी खराब ना हो। Aromatic water should be made in small quantities and protected from instant light and excess heat as they deteriorate with time. साथ ही साथ अपन जो aromatic water बनाते हैं कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने को fresh ही sample बनाएं, या फिर बनाना है तो small quantities में बनाएं, जितना required है उतना use किया, बाकी वापस fresh sample बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे time के साथ भी खराब होते हैं, साथ ही साथ light से heat से भी ये effect होते हैं। Deterioration may be caused by volatilization, decomposition or mold growth resulting to solution that are cloudy and have lost all traces of their agreeable odor.
साथ ही साथ जो डिटोरिएशन है उसके कारण दिक्कत क्या होगी, वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, जो परफ्यूमिंग स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, डीकम्पोजिशन खत्म हो, डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, या फिर मोल्ड ग्रोथ भी उसके अंदर हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपने को इनकम्पेटिबिलिटी के रूप में देखने को मिल सकती हैं, अगर इसे प्रॉपरली है जो कि प्रिजर्व नहीं किया गया तो। प्रिजर्वेशन स्टोरेज के अंदर अगर आप और बात करें तो अपन को कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक वाटर क्या क्या रहेंगे उनके बारे में अगर बात करें तो सिनेमन वाटर है, इट इज अ क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिनेमन ऑयल इन प्यूरिफाइड वाटर प्रिपेयर्ड बाय आइदर द ऑफिशियल प्रोसेसेस और सिनेमन। देन ऑरेंज फ्लावर वाटर है, इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑडोरीफेरस प्रिंसिपल ऑफ फ्लावर ऑफ सिट्रस एरोटिनम विच इज फैमिली रूटीएसी, उस पर्टिकुलर पार्ट से अपन ऑरेंज फ्लावर्स का भी एरोमेटिक सिस्टम निकाल सकते हैं। पीपरमिंट की बात करें तो पीपरमिंट ऑयल इज इन प्यूरिफाइड वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय आइदर द ऑफिशियल प्रोसेस, इट कैन बी यूज एज फ्लेवर्ड व्हीकल एंड कार्मिनेटिव, द यूजुअल डोज मे बी गिवन 15 ml। बेसिकली जो पीपरमिंट ऑयल है या पीपरमिंट वाटर है वो फ्लेवर्ड ऑयल के रूप में यूज किया जाता है, साथ ही साथ कार्मिनेटिव यानी जो स्टमक में जो गैस रिलीज होती है या एक्स्ट्रा गैस हो जाती है उसे कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रोज वाटर की बात करें तो अगेन ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फ्लावर्स जो रोजियसी सेंटिफोलिया है उसकी पेटल्स का फैमिली रोजियसी, द फ्लैश फ्लावर्स विथ वाटर आर डिस्टिल्ड, देन द एक्सेस वोलेटाइल ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्लियर वाटर पोर्शन ऑफ द डिस्टिलेट। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, यानी कि हाउ टू मेक सिनेमन वाटर। तो ऑब्वियस है उसके लिए अपने को कुछ केमिकल्स या फिर इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एक पर्टिकुलर क्वांटिटीज के अंदर टू प्रिपेयर 100 ml सिनेमन वाटर। तो अकॉर्डिंग टू अपन इंडियन फार्माकोपिया बात करते हैं या अपने को सिनेमन वाटर बनाना है 100 ml, तो अपने को कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स को कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर रिक्वायरमेंट होगा। साथ ही साथ अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फॉर्मुलेशन बनाने के लिए दी गई है तो किस तरीके से आपको रेस्ट ऑफ जो केमिकल्स हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने को सिनेमन वाटर बनाने के लिए रिक्वायर्ड रहेगा सिनेमन ऑयल 2 ml, इथाइल एल्कोहल 19%, 60 ml, टॉल्क वाटर 5 g, एंड प्यूरिफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशियंट इज 100 ml, यानी कि 100 ml क्वांटिटी सफिशियंट अपने को पानी लगेगा टू मेक 100 ml ऑफ सिनेमन वाटर। अब सपोज कि आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दी गई है कि इतनी क्वांटिटी ही आपको सिनेमन वाटर के सबमिट करनी है, तो हाउ टू कैलकुलेट, तो उस कैलकुलेशन के लिए भी कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे। सबसे पहले सिनेमन ऑयल की बात करते हैं, तो सपोज अपने को 100 ml सिनेमन वाटर के लिए 2 ml ऑफ सिनेमन ऑयल रिक्वायर्ड है, तो सपोज अपने को दिया गया है कि 20 ml आपको सबमिट करना है, तो 20 ml सिनेमन वाटर बनाने के लिए कितना अपने को सिनेमन ऑयल रिक्वायर्ड होगा। तो ऑब्वियस है x यानी कि जो भी अपने को क्वांटिटी चाहिए कि कितना ml अपने को सिनेमन वाटर सिनेमन ऑयल रिक्वायर्ड होगा इज इक्वल्स टू 2, यानी कि जो एक्चुअल सिनेमन ऑयल है फॉर 100 ml और अपने को बनाना कितना है 20, यानी कि 2 × 20/100, तो जो भी क्वांटिटी आएगी सिनेमन ऑयल की वो 20 ml सिनेमन वाटर बनाने के लिए सफिशिएंट होगी। वैसे ही अगर अपन बात करें इथाइल अल्कोहल की तो 60 × x जो भी अपने को क्वांटिटी बनानी है अपॉन 100, सेम वैसे ही फॉर टॉल्क पाउडर। अब ईच इंग्रेडिएंट को अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं कि वो दिखता कैसा है, सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग वो क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका अलग से यूज क्या है, तो वन बाय अगर वन बात करें तो सबसे पहले सिनेमन ऑयल, सिनेमन ऑयल का जो दूसरा नाम है जैसे दालचीनी, दालचीनी से बेसिकली सिनेमन है जो कि अपने को मिलता है। सोर्स की अगर बात करें तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द इनर बार्क ऑफ शूट्स ऑफ कॉपी ट्रीज ऑफ सिनेमोमम जैलिनिकम विच इज फैमिली बिलोंग्स टू लॉरियसी एंड ऑल्सो नोन एज साइलोन सिनेमोन, यानी कि बेसिकली जो बार्क होती है उससे मिलता है सिनेमोन अपने को, सिनेमोमम जैलिसिनम करके एक प्लांट है वहां से। दिखने में बेसिकली जो सिनेमन है वो थोड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ऑडर इसका बहुत ही फ्रेग्रेंट होता है, एरोमेटिक फ्लेवर होता है, टेस्ट इसका थोड़ा सा स्वीट होगा, यूज इसका होता है कार्मिनेटिव। अगेन जो भी अधिकांश वोलेटाइल ऑयल्स हैं उन्हें या तो एज अ फ्रेग्रेंट यूज किया जाता है या फिर कार्मिनेटिव यूज किया जाता है उनके वाटर को, यानी कि जो एंटी फ्लूटलेंट्स हैं यानी कि जो गैस है स्टमक की उसे रिलीज करवाने के लिए लिया जाता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें इट इज एट सॉल्यूबल एट 15.5 degree इन 3 volume ऑफ एल्कोहल, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी है सिनेमन ऑयल की। तो बात करते हैं टॉल्क की, तो टॉल्क बेसिकली जो चौक होती है यानी कि उसे कहते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करें अपन तो इट इज अ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट Mg3 SiO4 O10 and OH whole twice, क्ले मिनरल है ये,
इट इज वाइट पाउडर, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस, रेडली एडहेर टू स्किन एंड अनकटियस टू टच. डस्टिंग पाउडर के रूप में अपन इसे यूज करते हैं एंड फार्मास्यूटिकल एड. ग्लाइडेंट्स के रूप में भी टेबलेट बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है. इट इज बेसिकली प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड अल्कलाई एंड इथेनॉल. इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इसे अपन डिहाइड्रेटेड अल्कोहल या फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं. अगर 90% ऑफ इथाइल अल्कोहल की बात की जा रही है तो फॉर्मूला रहेगा इसका C2H5OH. ऑग्नि कंपाउंड है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, कलरलेस है, वॉलेटाइल लिक्विड है और जो इसका ऑर्डर है वो बहुत ही ज्यादा स्प्रिटियस रहता है. फार्मास्यूटिकल एड के रूप में अपन इसे यूज करते हैं, एज अ व्हीकल यूज करते हैं, कभी कभी सॉल्युबलाइजिंग के रूप में यहाँ पे यूज करते हैं. यहाँ पे जो ऑयल है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो इथाइल अल्कोहल है जो कि एज अ को सॉल्वेंट यहाँ पे काम करता है. सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर के अंदर मिसिबल है, अल्कोहल के अंदर मिसिबल है, इथर्स के अंदर मिसिबल है. देन एट लास्ट जो अपन व्हीकल के रूप में यहाँ यूज कर रहे हैं विच इज प्यूरिफाइड वाटर. प्यूरिफाइड वाटर मोस्टली अपने को डिस्टिलेशन या फिर आयन एक्सचेंज से मिलता है, क्लियर कलरलेस लिक्विड है और अपन व्हीकल के रूप में हर फॉर्मुलेशन में इसे यूज करते हैं. अब बात करते हैं प्रोसीजर की, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन. यानी कि राइट नाउ वी हैव टू प्रिपेयर सिनामिन वाटर. क्वांटिटीज अपने को पता है कितनी लेनी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स अपने को पता है वो लेना है, कितना बनाना है वो सब पता है. अब इट्स टाइम टू प्रिपेयर. तो ऑब्वियस है सबसे पहले क्या रहेगा, वी नीड टू क्लीन ऑल द ग्लासवेयर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. यानी कि जो भी ग्लासवेयर अपने को रिक्वायर्ड है टू प्रिपेयर सिनामिन वाटर वी हैव टू क्लीन इट प्रॉपरली. देन सिनामिन ऑयल वॉज डिजॉल्व इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल बाय शेकिंग. एज वी नो दैट ऑयल कैन नॉट मिसिबल विथ वाटर, दैट वाई वी हैव टू यूज अदर एजेंट्स टू मिसिबल दिट पर्टिकुलर सिस्टम विन वाटर. तो जो सिनामिन ऑयल है वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा तो अपन यहाँ पे एल्कोहल यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जो कि सिनामिन ऑयल को है जो कि डिजोल्व करने में कोशिश करेगा. तो करना क्या है, सिनामिन ऑयल लिया जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी उसे आपने एल्कोहल में डाल के अच्छे से शेक किया. देन द एल्कोहलिक सॉल्यूशन वॉज एडेड ड्रॉप वाइज टू द प्यूरिफाइड वाटर विथ कंटिन्यूस शेकिंग. राइट नाउ जो भी आपके पास प्रिपेयर्ड हुआ है सॉल्यूशन यानी कि सिनामिन ऑयल प्लस एल्कोहल का जिसे अपन ने कह दिया एल्कोहलिक सॉल्यूशन इसे आप ड्रॉप वाइज है जो कि प्यूरिफाइड वाटर में ऐड करते चलेंगे विद द कंटिन्यूस शेकिंग. देन रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर एडेड टू मेक क्वांटिटी सफिशियंट. अब जितना भी आपको बनाना है 20 ml, 50 ml, 100 ml उसके हिसाब से आप इसे एक मेजर सिलेंडर में ट्रांसफर करेंगे और क्वांटिटी सफिशियंट तक वाटर है जो कि ऐड कर देंगे. देन स्टरलाइज प्यूरिफाइड टॉल्क वॉज एडेड टू अबाउ सॉल्यूशन विथ ओकेजनल शेकिंग. यानी कि लास्ट में जो टॉल्क है वो आप इसे अंदर ऐड करेंगे यूजिंग ओकेजनल शेकिंग यानी कि नॉर्मल शेक करते हुए. आपने जैसे आगे मैंने आपको बताया था एरोमेटिक वाटर्स के अंदर कि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट्स के रूप में काम करते हैं जो कि जो वॉलेटाइल ऑयल है उसको और भी अच्छे से एड्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं. तो टॉल्क यहाँ पे भी एज एड्जॉर्बिंग एजेंट अपन यूज करेंगे. तो जो भी क्वांटिटी है टॉल्क की आपने ली और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद आप उसे शेक कर देंगे. शेक करने के बाद अगर रिक्वायर्ड है फिल्ट्रेशन देन फिल्ट्रेट करेंगे देन प्रॉपरली लेबल एंड डिस्पेंस और सबमिट कर देंगे. कैटेगरी की बात करें तो फार्मास्यूटिकल एड कॉम्बिनेटिव एंड व्हीकल के रूप में यूज किया जा रहा है. सिनामिन वाटर के डायरेक्शन की देखा जाए तो इंटरनल यूज है. वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट ड्यू टू इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर. इट शुड बी स्टोर इन ड्राई एंड कूल प्लेस. शेक वेल बिफोर यूज एंड शुड नॉट बी यूज इफ कंटेन एनी क्लाउडी और फॉरेन पार्टिकल. डोज इसकी रहती है 2 to 8 ml और रिजल्ट में आपको वही लिखना है सिनामिन वाटर वॉज प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस और सबमिटेड विद प्रॉपर लेबल अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट. लेबलिंग की बात करें तो अगेन देर इज टू लेबल अकॉर्डिंग टू योर डिस्पेंसिंग एंड टेक्नो. अगर आपको सबमिट दे रखा है तो आप फॉर्मुलेज लिखेंगे और अगर आपको डिस्पेंसिंग दे रखा है तो आपको इस तरीके का लेबल बनाना है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हिस्ट्री. पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, किसने प्रिस्क्राइब किया है, डायरेक्शन क्या रहेगी एंड यूज एंड स्टोरेज. और अगर आपको सबमिट दे रखा है देन यू हैव टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ लेबल इन विच इंग्रीडियंट्स नेम मस्ट बी इन्फॉर्म विद द क्वांटिटीज एंड द यूज स्टोरेज मस्ट बी सेम. नेक्स्ट है वाइबोवॉस क्वेश्चंस. मैं हमेशा आपको 3 या 4 वाइबोवॉस क्वेश्चंस देती हूँ प्रैक्टिकल में जिनके जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं. फर्स्ट है व्हाट इज द सोर्स ऑफ सिनामोन, यानी कि जो सिनामोन है वो आपको कहाँ से मिलता है. देन व्हाट इज द डोज ऑफ सिनामोन वाटर एंड राइट फॉर्मूला ऑफ टॉल्क, यानी कि जो टॉल्क है उसका फॉर्मूला क्या है.
इन तीनों के जवाब नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में है जो कि कमेंट करके बताइएगा, मैं बताऊंगी आपको वो सही है या नहीं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.